वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज के वीडियो में क्या करने वाला हूँ। तो दोस्तों, मेरे चार्जर ये टूटा पड़ा है, मैंने जेब में से डाल के रखा था। जैसे डेली डेली मैं जेब में डाल के रखने से मेरा क्रैक पड़ गया था, यहाँ से टूट गया और यहाँ से भी आप देख सकते हो टूट चुका है। तो दोस्तों, इसको क्या करूँगा, पहले मैं छीन लेता हूँ दोस्तों। इस तरह से छीनने के बाद दोस्तों, इसको पहले मैं ये चार्जर मेरा चार्जर, इसके बाद से ना एक स्लीप मिलता है दोस्तों इलेक्ट्रिकल मार्केट में, इलेक्ट्रिकल दुकान में मिल जाएगा। ये पाँचों को मैंने लेके आया हूँ, दो पीस लेके आया हूँ, छोटा छोटा, एक एक इंच का। आप देख सकते हो एक बड़ा है, एक पतला है, ठीक है दोस्तों, वायर के हिसाब से आप ले सकते हो। अब इसको पहले ही डाल लेना, डालने के बाद फिर इस वायर को छील के फिर यहाँ पे ज्वाइंट करना दोस्तों। तो पहले मैं छील लेता हूँ, आप देख सकते हो ये पतला वाला है, अब उधर पहले वाला था वो मोटा था, ठीक है दोस्तों। आप दो ले लेना ताकि पकड़ अच्छी तरह से बन जाए। इधर मैं वायर को दोनों जोड़ लिया हूँ दोस्तों, और अगर आपके पास सोल्डिंग वगैरह है तो सोल्डिंग वगैरह तो अच्छी तरह से इसको आप सोल्डिंग कर लीजिएगा, नहीं तो बाद में निकलने का थोड़ा सा डर होता है। आप देख सकते हो मैं सोल्डिंग कर लिया हूँ, अब इसको टेप कर देता हूँ ताकि आपस में ये शॉर्ट ना हो। आप देख सकते हो मैं आधा टेप किया हूँ, इसको पूरा टेप कर देता हूँ दोस्तों, टॉप हो चुका है। अब इस स्लीप को मैं अब इसको ऊपर चढ़ा देता हूँ दोस्तों, ये आधा से ऊपर चढ़ चुका है, जिसके नीचे जो ज्वाइंट था मेरा ढक चुका है। अब इस मोटे वाले को बिल्कुल सिरे पे एकदम चढ़ाना, जैसे ये मोटा है ना, यहाँ चढ़ा के आप देख सकते हो यहाँ तक ऐसे करना, ठीक है। अब ऐसे करने के बाद दोस्तों, अगर आपके पास माचिस हो या फिर लाइटर हो तो बहुत अच्छी बात है, मेरे पास अभी है नहीं, इस समय अवेलेबल नहीं है। तो ये मेरे पास हॉट गन है, इसकी मदद से मैं इसको गर्म कर लेता हूँ दोस्तों। गर्म करने से क्या होता है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक सिकुड़ जाता है और पूरा पकड़ बना लेता है वायर में दोस्तों, ठीक है। तो मैं हॉट गन को यहाँ से ऑन कर लेता हूँ और इसको सेक देता हूँ मैं, सेकने के बाद ऑटोमेटिक ये सिकुड़ जाता है दोस्तों और वायर के साथ बिल्कुल चिपक जाता है। अब पकड़ पूरा अच्छी तरह से बनता है और फ्लेक्सिबल पूरा होता है दोस्तों। फटाफट से मैं इसको सेक लेता हूँ चारों पास से घुमा घुमा के। और एक बात जरूर दोस्तों आप याद रखना, जैसे ये गर्म होगा और उसी हल्का हल्का आप हाथ से इसको दबाते रहना ताकि वायर के साथ ये बिल्कुल अच्छी तरह से चिपक जाए। पहले चारों पास मैं घुमा लेता हूँ, आप देख सकते हो तो कितना गर्म हवा यहाँ से निकल रहा है। तो ये पूरा अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। अब मैं फटाफट से हल्का हल्का इसको हाथों से मैं दबा देता हूँ। सॉरी दोस्तों, मैं एक हाथ से मोबाइल पकड़ रहा हूँ, दूसरे हाथ से मैं काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, डोंट प्रॉब्लम। ये एक साइड का बिल्कुल हो गया, सेम एक दूसरे साइड का भी, ये देखो इधर भी क्रैक हो चुका है। इसको भी स्लीप को मैं इधर इसको भी चढ़ा देता हूँ एक साइड में। चढ़ाने के बाद दोस्तों देखो चढ़ चुका है। अभी हॉट गन को मैं ऑन करता हूँ और इसको फेस में गर्म कर लेता हूँ। दोस्तों ये पूरा अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है, आप देख सकते हो नरम हो चुका है। और इसको मैं हल्का हल्का दाब हाथों से दबा देता हूँ ताकि ये वायर के साथ पूरा अच्छी तरह से पकड़ बना ले। ये पकड़ बनाने के बाद दोस्तों आप जैसे मर्जी इसको मोड़ के रख सकते हो, पूरा ये फ्लेक्सिबल एक तरह से बन जाता है दोस्तों, रबड़ की तरह काम करता है। तो चाहे आप जेब में डाल के घूमो, चाहे बैग में डाल के घूमो, ये दोबारा से क्रैक नहीं होगा जिस जगह मैं इसको चढ़ा दिया हूँ। मैक्सिमम इसी जगह ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, आप देख सकते हो कैसा है दोस्तों, एक तरह से डिज़ाइन भी ये बन चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा है, ज़्यादा वायरों पे यही होता है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।